हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू विज्ञान सरोवर। आज हम लोग आईसीएमआर जेआरएफ का 2018 के पेपर को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें हमने इसी का फर्स्ट पार्ट अपलोड किया है। आज हम लोग सेकंड पार्ट पे बात करेंगे। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस क्या होते हैं? तो आपको पता है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस एक बैक्टीरिया होता है जो कि डिजीज कॉज करता है, क्राउन गॉल डिजीज, जो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है प्लांट्स में। और ये एक्चुअली में ग्राम नेगेटिव सॉयल बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? ग्राम नेगेटिव सॉयल बैक्टीरिया। तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम द प्री नेटल लाइफ टू प्यूबर्टी द प्राइमरी ऊसाइट रिमेन इन, मतलब प्री नेटल लाइफ से जब डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है फीमेल की, उस समय से लेके प्यूबर्टी तक प्राइमरी ऊसाइट किस फेज में रहता है? तो प्राइमरी ऊसाइट रहता है प्रोफेज में, क्योंकि ये प्रोफेज इसका आंसर है। और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ऑल प्राइमरी ऊसाइट्स आर फॉर्म्ड बाय द फिफ्थ मंथ ऑफ फीटल लाइफ एंड रिमेन डोरमेंट इन प्रोफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट अंटिल प्यूबर्टी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस फोटोसिस्टम टू एब्जॉर्ब एनर्जी एट और बिलो किस, आपको पता है टू फोटो सिस्टम होते, फोटो सिस्टम वन एंड फोटो सिस्टम टू। तो कुछ इस तरीके से होता है, पीएस यहाँ पे पीएस टू होता है, यहाँ पे पीएस वन होता है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इस तरीके से फ्लो होता है। तो यहाँ पे जो फोटो सिस्टम टू होता है वो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, और ये 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे, क्योंकि फोटो सिस्टम टू पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे होगा 680 नैनोमीटर। इसके बाद व्हाट इज द साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस क्या होता है? साइटोकाइनेसिस होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को साइटोकाइनेसिस बोला जाता है। इसी तरीके से जब कोई सेल डिवाइड करती है तो कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, इस तरीके से प्रोसेस होता है, और एक सेल से दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल टाइम टेकन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मियोसिस टू द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्मेटोजोआ इज अबाउट। देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। बेसिकली यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो 74 डेज है, बट कुछ बुक्स में 74 डेज लिखा हुआ है करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था टोटल टाइम टेकन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ मियोसिस टू द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्मेटोजोआ, मीन्स कि स्पर्म के फॉर्मेशन में वैसे देखा जाए तो 64 डेज लगते हैं, लेकिन यहाँ पे मियोसिस के बिगिनिंग से पूछा गया, इसलिए यहाँ पे 74 डेज ऑप्शन सही है। तो अभी आपको क्वेश्चन कैसा पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्ट करना है जो भी आंसर्स हैं। तो यहाँ पे इन रफली द 64 डेज दे डिफ्रेंशिएट देमसेल्व देयर बाई इंटू स्पर्म सेल्स अप टू द आउटर सर्फेस ऑफ एपिथीलियल, ओनली सेलुलर डिवीजन एंड सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नॉट कम्प्लीट, मीन्स कि इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पे टोटल टाइम बोला गया है कि जब स्पर्म रिलीज हो जाते हैं उस ड्यूरेशन को पूरा स्पर्म का फॉर्मेशन होके मैच्योर स्पर्म के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो 74 डेज लगता है, और वैसे स्पर्म की फॉर्मेशन 64 डेज में हो जाती है। द इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर इज 16 सितंबर, 16 सितंबर है इसका ऑप्शन सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट, यहाँ पे आपको बताना है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये सभी हैं, सोडियम पोटेशियम पंप, इंडोसाइटोसिस, इंडो एक्सोसाइटोसिस, लेकिन क्या नहीं है यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा हुआ है तो ऑस्मोसिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत इजी क्वेश्चन है इसलिए हम ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, विच गैस इज सेफ एंड इफेक्टिव एक्सटिंग्विशर फॉर
ऑल कन्फाइंड फायर्स, सभी तरह के फायर्स को, मतलब अगर कहीं आग लगी है या किसी आग को बुझाना है तो उसके लिए सभी तरह के इस्टिंग्विशर मीन्स सभी टाइप के फायर्स को, क्योंकि फायर्स के कैटेगरीज होते हैं, क्लास 1 फायर है या क्लास 2 या क्लास 3। तो जैसे क्लास 1 फायर जो होता है उसमें उड, मान लीजिए कि क्लास 1 जो फायर होता है उसमें अगर कोई उड मतलब जल रहा है, या फिर कोई जैसे रबर है, क्लॉथ, पेपर, प्लास्टिक, ये सब आते हैं क्लास 1 क्लास ए फायर में। इसके बाद क्लास B फायर जो होता है, क्लास B फायर में जैसे कि फ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं, या आप जानते हैं जैसे एसीटोन वगैरह है या फिर अल्कोहल है, इस कैटेगरी में आते हैं। क्लास C फायर में आते हैं एनर्जाइज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, कोई इक्विपमेंट्स ऐसा जो कि एनर्जाइज, जैसे कि ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं या फिर ये मोटर्स होते हैं, तो इन सब में क्लास C कैटेगरी में होते हैं जो कि एनर्जाइज इक्विपमेंट होते हैं। तो बेसिकली ये बहुत ही ऑर्डिनरी टाइप का फायर होता है, इसको ऑर्डिनरी फायर कहते हैं, लेकिन ये दोनों फायर बहुत ही मीन्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल फायर होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली द विच गैस इज सेफ एंड इफेक्टिव एक्सटिंग्विशर फॉर ऑल द कन्फाइंड फायर्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड को माना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस होती है जो कि सभी फायर्स को मतलब बुझाने के लिए काम करती है, और ये तो ऑर्डिनरी फायर है लेकिन ये इफेक्टिवली इन क्लास B और क्लास C में भी काम करती है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, द कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इफेक्टिव फायर एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर आर फिल्ड विद नॉन फ्लेमेबल कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंडर एक्सट्रीम प्रेशर, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को फिल किया जाता है, और जब इसको आग बुझाने के लिए काम किया जाता है तो उस समय ये ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देती है उस जगह से, और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, और उस ऑक्सीजन को फायर के मीन्स कुछ एलिमेंटल फॉर्म में चेंज कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी यूज्ड क्लास B क्लास C फायर, जैसा कि अभी हमने बताया, दे आर यूजली इनफेक्टिव इन क्लास A फायर्स में। क्लास A फायर्स ऑर्डिनरी फायर्स होते हैं, वहाँ पे इनफेक्टिव होती है, लेकिन क्लास B क्लास C फायर्स में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मीन्स एफिशिएंट होती है। द प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड मेडिकली अप टू 24 वीक, सॉरी 24 वीक में जो प्रेगनेंसी मेडिकली टर्मिनेट हो जाती है, तो इसके लिए ऑप्शन हमारा 24 वीक होगा। इसके बाद द हार्मोन इंसुलिन ऑफ पैंक्रियाज इज सिक्रेटेड बाई, आपको पता है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बीटा सेल से सिक्रीट होता है। आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस जो पैंक्रियाज में पाए जाते हैं, वहाँ पे 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, और जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं, जो अल्फा सेल्स होती हैं वो ग्लूकागोन का प्रोडक्शन करती हैं, जो कि स्ट्रेस में। इसके बाद फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल, मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होता है, बाकी जितने भी दिए हुए हैं पेनिस, प्रोस्टेट एंड सेमेनल वेसिकल्स, ये सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो टेस्टिस होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज, कार्बन की वैलेंसी के बारे में बताना है। तो जैसा कि आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है, और आपने केमिस्ट्री में जब आप 10th क्लास में पढ़ रहे होंगे तभी से आपको ये बताया गया कि अगर उसका नंबर 6 होता है, तो अगर जब हम किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो पहले 2 फिल करते हैं, और इसके बाद जो रिमेनिंग है, क्योंकि 6 है तो बाकी रिमेनिंग कार्बन हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो ये क्या कर सकता है, ये कार्बन एटम फॉर्म कर सकता है, 4 सिंगल मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड को बना सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मीथेन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह तरीके से बनता है। तो यहाँ पे कार्बन की 4 वैलेंसी दिख रही है, और उस वैलेंसी के थ्रू यहाँ पे देखिए कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है मीथेन के केस में। तो इस तरीके से ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस, देखिए ये बायो इसका बायो इन्फॉर्मेटिक्स का क्वेश्चन है,
तो अगर आपने थोड़ी बहुत भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ी होगी तो आप इस क्वेश्चन को, आपको आइडिया होगा कि फास्टा क्या होता है, ब्लास्ट करते हैं वो क्या होता है। इसी तरीके से प्रोटीन की सीक्वेंसिंग के लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि प्रोटीन के सीक्वेंस को जानना है या प्रोटीन कैसी है। तो ये सारे जो वर्क होते हैं वो ड्राई लैब में होते हैं, जिसको हम लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स की लैब कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पूछा गया कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस के लिए में इन्वॉल्व होता है। तो इसमें जो आंसर होगा वो EMBL होगा। और हम लोग बाकी सारे को देख लेते हैं, वो सब क्या कहाँ पे इन्वॉल्व है। स्विस प्रॉट इज अ क्यूरेटेड प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस। ये क्या है? प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस है। अगर हम लोग इसकी बात करें, ट्रेम्बल की बात करें, तो ये क्या है? ये भी प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस है। प्रोसाइट की बात करें तो प्रोसाइट क्या करता है? ये भी प्रोटीन डोमेन को मतलब आइडेंटिफाई करता है। लेकिन अगर हम लोग EMBL की बात करें, जिसका नाम है द यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, जो कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? EMBL। इसके बाद टेक्सोनॉमी यूजिंग द 16 SRNA एज डिफाइंड बाई, किसने डिफाइन किया था? कार्ल ऊज ने डिफाइन किया था। और उन्होंने ये होता क्या है बेसिकली, ये आपको पता होना चाहिए। टेक्सोनॉमी ऑफ 16 SRNA इज डिफाइंड एज, किसने डिफाइन किया था? कार्ल ऊज ने डिफाइन किया था। और ये इसमें क्या किया जाता है, इसमें पर्टिकुलर जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं और उनकी टेक्सोनॉमी निकाली जाती है कि किस बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया कब इवॉल्व हुआ। तो उसके लिए मान लीजिए बैक्टीरिया के केस में इसको यूज किया जाता है 16 SRNA को। उसमें क्या किया जाता है कि मान लीजिए सपोज ये कोई बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में ये जेनेटिक मटीरियल है, इसको इस जेनेटिक मटीरियल को आइसोलेट किया गया। इसके बाद इसमें PCR चलाया जाता है 16 SRNA के प्राइमर के थ्रू, और फिर बहुत सारा एम्प्लीफिकेशन होता है, फिर सीक्वेंसिंग की जाती है। और सीक्वेंसिंग करके एक बैक्टीरिया ये है और दूसरा बैक्टीरिया सपोज कि ये है, तो सेम प्रोसेस से ये भी गुजरेगा। दोनों की सीक्वेंसिंग करके फिर हम उसमें से क्या डिफरेंसेस हैं, कितनी सिमिलरिटीज और कितने डिस्टेंट रिलेटेड हैं, ये हम लोग इससे पता कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से मॉलिकुलर टेक्सोनॉमी निकालने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, द शोल्डर ज्वाइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो शोल्डर ज्वाइंट होता है वो बॉल सॉकेट का एग्जाम्पल होता है, जो यहाँ पे ऑप्शन लगा है बॉल सॉकेट ज्वाइंट। यहाँ पे देख सकते हैं, द शोल्डर ज्वाइंट इज अ बॉल सॉकेट ज्वाइंट बिटवीन द स्कैपुला, जो शोल्डर बोन होती है उसको स्कैपुला बोला जाता है, एंड ह्यूमरस, जो शोल्डर के नीचे की बोन होती है उसको ह्यूमरस। तो दोनों को जोड़ने के लिए क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है, सॉकेट ज्वाइंट होता है। इसके बाद द ऑल हैव द लीस्ट अब्यूज लाइबिलिटी एक्सेप्ट। तो ये तो आप लोग बिल्कुल एकदम समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कि किसके लिए मीन्स कि क्या चीज ऐसी है जिसके लिए लीस्ट, मतलब सभी इसमें से सभी लीस्ट अब्यूज लाइबिलिटी शो करते हैं, एक्सेप्ट कौन ऐसा है जो कि लाइबिलिटीज को अब्यूज करता है। तो इसके लिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा कोकेन, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो कैफीन होता है वो कॉफ़ी में पाया जाता है, या फिर ये एस्प्रिन है, ये मेडिसिन्स में यूज़ किए जाते हैं। लेकिन जो कोकेन है ये हमारे मतलब ये बैन होता है, इस वजह से ये हमारा एक्सेप्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द रेशियो ऑफ LD50 to ED50 इज। अब देखिए क्या होता है कि ये होता क्या है, डोज, लीथल डोज। LD का मतलब लीथल डोज। जैसे मान लीजिए कोई हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए कि कोई आपके पास मेडिसिनल प्लांट है और उसकी आपको एफिशिएंसी देखनी है। तो एक माइक्रो टाइटर प्लेट आती है, कुछ इस तरीके की होती है, और उसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे सपोज मान लीजिए 1 माइक्रोग्राम यहाँ पे हमने डाला, फिर सब में हमने इसमें 9 माइक्रोलीटर डिस्टिल वाटर या कुछ भी सॉल्वेंट डाल दिया, सब में 9 9 हम डाल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 9 9 हमने इसमें सब में सॉल्वेंट डाला है, और इसमें हमने 1 माइक्रोलीटर सपोज मेडिसिनल प्लांट का एक्सट्रैक्ट डाला, फिर इससे हमने इसमें डाल दिया, इससे हमने इसमें डाल दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइल्यूट होते जा रहा है, और फिर यहाँ पे सब जगह पे हमने बैक्टीरिया डाल दिया। तो अब क्या होगा कि हमें इससे ये पता चल जाएगा कि किस
किस अमाउंट पे, किस कंसंट्रेशन पे वो बैक्टीरिया एकदम लीथल हो जा रहा है। मतलब जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दवा फायदा कर रही है तो ऐसा तो नहीं कि हम उसको ज्यादा खा लेंगे। दवा जितनी हमारी डोज है कि वो सिर्फ उस डिजीज तक ही सीमित रहे, उसको उस डिजीज को मतलब मिनिमम एक ऐसा अमाउंट हो जो कि हमारी बॉडी में एक्सेस में भी ना हो जाए और हमारी बीमारी भी ठीक हो जाए। तो उसके लिए ऐसी चीजें की जाती हैं कि एक डोज डिसाइड किया जाता है, एक थेरेप्यूटिक इंडेक्स निकाला जाता है कि भाई कौन सी कितना अमाउंट दिया जाए जिससे वो डिजीज भी ठीक हो जाए और वो अमाउंट एक्सेस भी ना हो। तो इसी तरीके से मान लीजिए सभी जो ये माइक्रो टाइटर प्लेट है इसमें सब जगह बैक्टीरिया है। अब हमने यहाँ पे 1 माइक्रोलीटर लिया था, फिर ये डाइल्यूट हो गया, फिर हमने इसमें 1 माइक्रोलीटर डाला, ये और डाइल्यूट हो गया, ये उससे ज्यादा डाइल्यूट हो गया उससे। अब इसमें से किसमें बैक्टीरिया एकदम डेड डेड कर जा रहा है, तो हो सकता है कि इस वाले रो में डेड कर जा रहा हो, और यहाँ भी हमने डाल रहे हैं, यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल जो मिनिमम जिसमें डेड हो जा रही है बैक्टीरिया, अपनी एफिशिएंसी खो दे रहा है, उस हम अमाउंट को इस तरीके से डोज को करते हैं। तो अब ये LD50 और ED50 के रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, वो क्या निकालता है। तो ये तो मिनिमम पोटेंशी निकाल देता है कि कितना पोटेंशियल है उस मतलब उस मेडिसिनल प्लांट में। तो रिलेशनशिप डिफाइंड द रेशियो ऑफ LD ED, वेयर LD इज डोज एट विच ड्रग किल द 50% ऑफ द टेस्ट ग्रुप ऑफ द एनिमल, एंड ED इज द डोज एट विच द डिजायर्ड इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड इन 50% ऑफ द टेस्ट ग्रुप। मीन्स कि ED और LD दो चीजें हैं। लीथल डोज 50 का मतलब, हमने लीथल डोज के बारे में आपको बताया, लीथल डोज 50 का मतलब कि जब 50% एनिमल किल हो जाए वो लीथल डोज 50 होता है, और ED का मतलब होता है कि 50% टेस्ट ग्रुप के लिए जो डोज यूज किया जाता है उसको ED बोला जाता है। तो ये दोनों मिल के बनाते हैं थेरेप्यूटिक इंडेक्स बनाते हैं, और इसी इंडेक्स को यूज करके आगे ड्रग्स के कॉन्सेंट्रेशन को डिसाइड किया जाता है। व्हाइट लेग हॉर्न इज अ ब्रीड ऑफ पॉलिट्री। देखिए एकदम याद करने वाले क्वेश्चन है, तो इसमें हम ज्यादा कुछ एक्सप्लेन मुझे नहीं करना है। पॉलिट्री को डिफाइन करता है। इसके बाद नेक्स्ट, द प्रिंसिपल प्रोटीन इन मिल्क, आप सभी लोगों को पता है केसीन होता है। केसीन कितना होता है, 80% देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और बाकी 20% वे प्रोटीन होता है। वे प्रोटीन यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन हो जाएगा केसीन प्रोटीन, जो कि 80% होता है, और वे प्रोटीन कितना होता है, 20%। अ शीप इज कॉल्ड, शीप कहा जाता है ओवाइन को। अब बाकी जो चीजें हैं उनको क्या बोला जाता है, क्योंकि मान लीजिए आगे कभी आपसे पूछ लिया जाए, तो आगे में जो बोवाइन होता है वो काउ या बुल से रिलेशन शो करता है, कैनाइन डॉग से शो करता है, ओवाइन शीप से करता है, स्वाइन पिक से करता है। तो ये इस तरीके से आपको ये चीजें याद कर लेनी है। हेल्टियर्स आर मॉडिफाइड हाइंड विंग्स। देखिए आपने ड्रोसोफिला में, अगर आपने डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ा होगा तो वहां पे ड्रोसोफिला के बारे में आप पढ़ते हैं, तो कुछ ड्रोसोफिला इस तरीके से होता है, और इसमें 3 सेगमेंट्स पाए जाते हैं, और इस 3 सेगमेंट में जो ये थर्ड नंबर का होता है, तो यहाँ पे 1 पेयर ऑफ लेग और हेल्टियर्स पाए जाते हैं। 1 पेयर ऑफ लेग एंड हेल्टियर्स। ये हेल्टियर्स पहले प्रिमिटिव टाइप में जब मतलब एवोल्यूशन हो रहा था, तो स्टार्टिंग में ये हेल्टियर्स विंग्स की तरह थे, लेकिन बाद में चल के ये बैलेंसिंग ऑर्गन, क्योंकि बैलेंस नहीं कर पा रहा था तो बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह काम करने लगे। तो हेल्टियर्स आर द बैलेंसिंग ऑर्गन, और जो कि थर्ड सेगमेंट में ड्रोसोफिला के पाए जाते हैं, तो ये हाइंड विंग्स का मॉडिफाइड वर्जन होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। मिलेनोसाइट्स आर लोकेटेड इन, जो एपिथेलियल सेल्स होती है वहां पे बहुत तरह के स्ट्रेटम पाए जाते हैं। तो जो मिलेनोसाइट जो लोकेट होते हैं, वो लोकेट होते हैं स्ट्रेटोन जर्मिनो टीवम में, स्ट्रेटम जर्मिनो नेटिवम में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वेरी मस्कुलर ऑर्गन यूज टू ग्राइंड द फूड इन वर्ड
इन बर्ड इज कॉल्ड द गिजर्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिजर्ड बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज कॉमनली यूज्ड फॉर द बायोडीजल। तो जेट्रोफा प्लांट आप लोगों को पता है कि इंडिया में जेट्रोफा प्लांट को बायोडीजल की तरह यूज किया जाता है, तो इसके लिए इसका एग्जांपल जेट्रोफा होगा। द सीड्स फ्रॉम जेट्रोफा क्यूरेकस प्लांट आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल, अ क्रूशियल पार्ट ऑफ इंडिया प्लान टू अटेन द एनर्जी सस्टेनेबिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सटिंक्शन ऑफ डोडो वॉज मेनली ड्यू टू द हंटिंग। हंटिंग की वजह से डोडो का एक्सटिंक्शन हो गया था, तो यहाँ पे हंटिंग हो जाएगा। और इस डोडो का जो जूलॉजिकल नेम होता है रेफिनस कुकुलेटस इज एन एक्सटिंक्ट फ्लाइटलेस बर्ड होती है। ये देखिए खास बात इसकी कि फ्लाइटलेस बर्ड होती है, दैट वॉज एंडेमिक टू द आइलैंड ऑफ मॉरिशियस ईस्ट ऑफ द मेडागेस्टकार और इन द इंडियन ओशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, द मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का मोस्ट एक्टिव फॉर्म क्या होता है, कैल्सी ट्राई ऑल। कैल्सी ट्राई ऑल यहाँ पे ये ऑप्शन लिखा हुआ है। किडनी और लिवर क्या करते हैं, विटामिन डी को कन्वर्ट कर देते हैं एक्टिव हार्मोन में, जिसको कहा जाता है कैल्सी ट्राई ऑल। एंड एक्टिव विटामिन डी हेल्प टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कैल्शियम गट कैन एब्जॉर्ब फ्रॉम द ईटन फूड। इसीलिए अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं तो उसके साथ आपको विटामिन लेना बहुत जरूरी होता है, विटामिन डी स्पेशली, क्योंकि विटामिन डी क्या करता है, तभी वो कैल्शियम एब्जॉर्ब हो पाता है ब्लड स्ट्रीम में। नहीं तो अगर कैल्सी ट्रायोल मीन्स एक्टिव फॉर्म विटामिन डी का नहीं होगा तो विटामिन डी एब्जॉर्ब बॉडी में नहीं हो पाता है। वाटर ट्रांसपोर्टर अक्रॉस द लिपिड बाई लेयर ऑफ द सेल इज प्रोबेबली मेडिएटेड बाई, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाइड्रो ट्रांसफेरिन, फिर यहाँ पे एक्वा ट्रांसफेरिन लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोपोनिक लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रांसफेरिन का काम क्या होता है, ट्रांसफेरिन आर द ग्लाइकोप्रोटीन फाउंड इन वर्टिब्रेट्स विच बाइंड एंड कॉन्सिक्वेंटली मेडिएट द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन। आयरन का ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो इसलिए हमारे ये दोनों ऑप्शन पहले ही रॉन्ग हो गए। इसके बाद हाइड्रोपोनिक क्या होता है, हाइड्रोपोनिक तो प्लांट का कल्चर होता है, सॉइललेस कल्चर होता है प्लांट का, मीन्स कि एक कंटेनर लिया जाता है, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स फिल कर दिए जाते हैं और उसी में प्लांट को ग्रो किया जाता है। तो यहाँ पे सॉयल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसलिए इसको हाइड्रोपोनिक बोला जाता है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन एक्वापोरिन सही हो जाएगा। द टेराटोजेनेसिस रेफर टू, टेराटोजेनेसिस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से वर्ड रिलेट करता है, तो इसलिए यहाँ पे फोर ऑप्शंस दिए हुए हैं, ब्रीडिंग टर्टल्स, फीटल एबनॉर्मेलिटीज। तो देखिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से रिलेशन शो करता है, तो इसलिए फीटल एबनॉर्मेलिटीज हो जाएगा, क्रेटिनाइजेशन ऑफ स्किन या ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। टेराटोजेनेसिस इज अ प्री नेटल टॉक्सिटी करेक्टराइज बाई स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफेक्ट इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो और फीटस, तो हमारा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायो रिमेडियल टेक्निक। बायो रिमेडिएशन इज अ ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट यूजेज नेचुरली अकरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट फंजाई बैक्टीरिया, मतलब जो भी कंपोस्ट बनाना मीन्स कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, लीव्स हैं या फिर जो भी प्लांट पार्ट ड्राई हो जाते हैं, तो वो फिर कंपोस्ट उनको वो रॉटन हो जाते हैं, और इसके बाद वो रॉटन मटेरियल को कंपोस्टिंग करके इसी प्रोसेस को बायो रेमेडिएशन बोला जाता है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे कंपोस्टिंग ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे प्रोसेस आप देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारे केमिकल प्रोसेस हैं, और फिर सेडिमेंटेशन मीन्स कि ये सेडिमेंटेशन एक तरीके से फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस है। इसके बाद नेक्स्ट, द रूमेन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। रूमेन, रूमेन काउ, काउ से रिलेशन शो करता है, काउ से रिलेशन शो करता है। द एसिटाबुलम इज अ पार्ट ऑफ पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल का पार्ट होता है, देखिए सारा चीज आपको याद करना है, अगर आपको याद है तो ये पेपर बहुत इजी है, बट अगर आपको ये चीजें याद नहीं है तो ये पेपर आपके लिए टफ होने वाला है। इसके बाद विच ह्यूमन इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू द यूरिन, यूरिन के थ्रू कौन सा ह्यूमन
इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, तो लेपिडो स्पायरोसिस जो यहाँ पे, सॉरी लेप्टो स्पायरोसिस जो दिए हुई है डिजीज, ये यूरिन के थ्रू होता है. द बैक्टीरिया लेप्टो स्पायरा दैट कॉज द लेपिडो स्पायरोसिस आर स्प्रेड थ्रू द यूरिन इन्फेक्टेड एनिमल्स विच कैन गेट इनटू वाटर और सॉयल कैन सर्वाइव देयर वीक ऑफ द मंथ. फिर इसके बाद ये निमोनिया टाइप की डिजीज होती है. डिप्थीरिया, आपको पता है कि डिप्थीरिया कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, जिससे कि जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें पैरालिसिस हो सकती है, इवन समटाइम डेथ हो सकती है, लेकिन इसके लिए वैक्सीन बन चुकी है. प्लेग, आपको पता है कि रोडेंट के थ्रू ट्रांसमिट होता है, तो लेपिडोस्पायरोसिस जो होता है वो यूरिन के थ्रू ट्रांसमिट होता है. द सी डी एन ए लाइब्रेरीज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एक्सप्रेस सीक्वेंस ऑफ द ई एस टी लाइब्रेरी. सी डी एन ए लाइब्रेरी के बारे में आपने बायोटेक में पढ़ा होगा, तो इसका ऑप्शन जो है इज अ कंपल्सरी डीएनए लाइब्रेरी पार्ट ऑफ प्रोटीन डोमेन. ये होगा नहीं, ओनली फाउंड इन प्लांट, ये भी नहीं होगा. इज अ कंपल्सरी डीएनए लाइब्रेरी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट होगा. अ सी डीएनए लाइब्रेरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोन सी डीएनए, जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फ्रेगमेंट कहते हैं, इंसर्टेड इन टू द कलेक्शन ऑफ होस्ट सेल विच कॉन्स्टिट्यूट सम पोर्शन ऑफ द ट्रांसक्रिप्टोन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड आर स्टोर एज अ लाइब्रेरी. इसके बाद द फंक्शन ऑफ थैलेमस इज, ये जो थैलेमस होता है वो रिले करता है, रिले सेंटर होता है, मीन्स कि उसको हम लोग रिले सेंटर बोलते हैं. इसके बाद द यूरोफेरेंजियल ग्लैंड इज एसोसिएटेड विथ, यूरोफेरेंजियल ग्लैंड इज एसोसिएटेड विथ पिजन से एसोसिएटेड होती है. पिजन यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऑप्शन पिजन सही होगा. इसके बाद द जेनेटिक इंजीनियरिंग इन क्रॉप प्लांट इज यूज्ड फॉर, क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए यूज किया जाता है. बाकी के ऑप्शन बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है कि प्लांट के जीनोम में जो अपने डिजायर्ड ट्रेट होते हैं उनको ऐड कर दिया जाता है, और वो फिर क्रॉप डिजायर्ड ट्रेट्स को एक्सप्रेस करने लगता है. तो क्रॉप का इम्प्रूवमेंट हम लोग कर सकते हैं. प्लांट प्रोपोगेशन, रिसाइकलिंग, क्रॉप हार्वेस्टिंग, ये सब बिल्कुल भी इररिलेवेंट ऑप्शंस दिख रहे हैं. इसके बाद द जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बीइंग यूज्ड इन इंडिया, कॉटन, कॉटन को यूज किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉटन हो जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट, द अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, अर्थ डे सेलिब्रेट कब किया जाता है, तो ये सारे जितने भी डेज हैं ये सब आपको याद करने पड़ेंगे. 23 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है. इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब ऑर्गन का फॉर्मेशन होना. द फॉर्मेशन ऑफ कैक्टस टिश्यू, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैक्टस के टिश्यू का ही फॉर्मेशन किया जाता है टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में. फॉर्मेशन ऑफ रूट शूट ऑन कैलस टिश्यू, ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, क्योंकि ऑर्गेनोजेनेसिस रूट और शूट का फॉर्मेशन हो रहा है, जेनेसिस ऑफ ऑर्गन और फ्लावरिंग. तो बेसिकली अगर हम लोग टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी की बात करते हैं, तो प्लांट टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में ऑर्गेनोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें कि शूट और रूट का डेवलपमेंट होता है कैलस टिश्यू से. तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं, और जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें. थैंक यू वेरी मच.